हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर एक बार सुपर हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि रियल क्रिएट 20 के न्यू टीज़र के बारे में, जो कि कल रिलीज़ कर दिया गया था न्यू टीलियस मोबाइल की तरफ से, ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक के अंदर रिलीज़ कर दिया गया था। तो इसी के बारे में पूरा का पूरा बात करेंगे कि इस टीज़र के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, पूरा का पूरा डिटेल आपको बताता जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए एंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल पर क्लिक करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक कमाल का एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ जिसका नाम है प्लेयर स्पोर्ट। दोस्तों, प्लेयर स्पोर्ट इंडिया के टॉप पेंटेस साइट में से एक है जिसका ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार है। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल और कई तरीके के स्पोर्ट्स खेलकर रोज लाखों रुपये जीत सकते हो। दोस्तों, प्लेयर स्पोर्ट एप्लीकेशन पिछले 5 साल से मार्केट में है और डेली 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसमें खेलते हैं। दोस्तों, नीचे दिया हुआ लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको सबसे पहले 50 रुपये आपको अकाउंट में आ जाएंगे तुरंत ही। तो लिंक को क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए। प्लेयर स्पोर्ट का एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, उसके तुरंत बाद आप जैसे ही फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो आपको फर्स्ट डिपॉजिट के अंदर 12,345 रुपीज़ तक का कैशबैक मिल सकता है। मार्केट में अवेलेबल बाकी फैंटेसी ऐप से इसमें कमीशन सबसे कम है, जिसके वजह से आप कम पैसों में ज़्यादा जीत सकते हो। तो दोस्तों, जीते हुए पैसे को आप अपना पेटीएम या बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉल भी कर सकते हो एंड पेटीएम के लिए केवाईसी का ज़रूरत भी नहीं है। इसी के साथ प्लेयर स्पोर्ट पर बहुत ऐसे गेम्स हैं जैसे स्नैक्स, लैडर्स, लूडो, जो कि पूरे लॉकडाउन के अंदर सब खेले हुए हैं, एंड जैसे कि शिप पाइट के जैसे आसान गेम्स खेलकर डेली का आप 10 लाख तक कमा सकते हो। तो अभी जाओ डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट एप्लीकेशन को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ट्रेलर दिखते हैं, पर जो स्टार्टिंग में दिखता है तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि जर्सी चेंज हो चुका है, यहाँ पर जर्सी चेंज हो चुका है एंड स्कोर कार्ड भी चेंज हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यार जर्सी सभी का चेंज हो चुका है जैसे कि अभी यहाँ पर अभी दिख रहा है। तो जर्सी का भी अपडेट जो है इस अपडेट के अंदर ही आने वाला है। एंड गाइस, यहाँ पर देख सकते हो नो बॉल के लिए, जैसे कि आपको पता होगा कि यार आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में नो बॉल के लिए थर्ड अंपायर डिसीजन चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये अपडेट आ चुका है रियल क्रिएट 20 के अंदर भी। तो ये फीचर्स आपको कैसे लग रहा है जरूर से बता दीजिए यार, बहुत क्रिएटिव यहाँ पर अपडेट्स ला रहे हैं, ये जो एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, तो फिर भी ऐसे अपडेट्स आ रहे, मतलब अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर जो भी अभी नो बॉल होगा वो भी थर्ड अंपायर से डिसीजन आएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जर्सी भी चेंज हो चुका है अच्छा सा, यहाँ पर देख सकते हो मुंबई इंडियंस का जर्सी चेंज हो चुका है एंड स्पॉन्सर का भी पोजीशन चेंज हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो। कुछ दिख क्लियर नहीं है बट यार जब अपडेट आएगा तब हमको दिख जाएगा कि भाई क्या है, बट अभी फिलहाल के लिए तो भाई कन्फर्म हो चुका है कि यार मुंबई इंडियंस का जर्सी चेंज हो चुका है एंड बाकी टीम का भी जर्सी चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हो, मैं फिर से आपको स्लोली दिखा रहा हूँ ट्रेलर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो पहले आपको स्कोर कार्ड भी देखने को मिल रहा है एंड पहले यहाँ पर ये दिखा दिया गया था कि यार इंडिया का जो रेट्रो स्टाइल जर्सी वो भी आने वाले। एंड गाइस, इस अपडेट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है यार, अभी पता नहीं चल रहा है क्या फीचर्स आएंगे। एंड अभी मुझे लग रहा है कि यार 15 दिन के अंदर अपडेट आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है ज़रूर से बता दीजिए। मुझे यहाँ पर लगता है कि यार आज जो है तो मतलब आज से यार 15 दिन के अंदर आ सकता है, इससे पहले भी आ सकता है। एंड कुछ टूर्नामेंट को भी फ्री कर दिया जा रहा है, मतलब भाई रियल के 20 की तरफ से बहुत धमाका चल रहा है, मतलब भाई मतलब वो भी नहीं। एंड मंथली आपको 3 दिन फ्री देखने को मिलेगा, कुछ टूर्नामेंट्स वो सेलेक्ट हो जाएंगे वो मंथली आपको 3 दिन फ्री मिलेगा, मतलब जैसे कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हो या कुछ और टूर्नामेंट जो आप खेलना चाहते हो उसको आप वोट करोगे तो वो जो है आपको मतलब मिल जाएगा आराम से। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे चीज़ें चेंज हो चुका है। तो पहला का जो ट्रेलर था ये था, उसके बाद और एक ट्रेलर आ चुका है उसको मैं पहले दिखा दिया, मतलब ये यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर रेड जर्सी आ चुका है एंड ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा कुछ जर्सी चेंज हो चुका है एंड स्कोर कार्ड चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हो जो पहले इंटरफेस आते हैं वो भी चेंज हो चुका है, मतलब सब कुछ बढ़िया लग रहा है। एंड जो कुछ भी गाइस गेम प्ले जो भी है यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, मतलब क्लीनली आ रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं रहा थोड़ा कुछ यार रुक रुक के आता है, मतलब यहाँ पर क्लीन दिख रहा है। पता नहीं गेम प्ले के अंदर क्या हो जाएगा, जब गेम आएगा तो भाई कुछ और ही हो जाएगा, मतलब धीरे से आएगा या कुछ लैग हो जाएगा अगर जो भी मतलब प्रोसेसर आई होगा जैसे कि 855 स्नैपड्रैगन 855 प्लस रहेगा उसमें लैग हो जाते हैं, उसमें क्रैश हो जाते हैं, मतलब पता नहीं उसको भी यहाँ पर इम्प्रूव किया गया कि नहीं, देखना चाहिए नेक्स्ट अपडेट के अंदर, देखते हैं यार क्या क्या ये लोग करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए जो टीज़र का अपडेट देना था आप सभी को, एंड आप सभी लोग ये बता दीजिए कि यार आपको टीज़र कैसा लगा जो रियल क्रिएट 20 ने रिलीज़ कर दिया। पहले यहाँ पर रिलीज़ कर दिया था इंडिया का रेट्रो स्टाइल जर्सी का, और उसके बाद यहाँ पर रिलीज़ कर दिया अभी यहाँ पर मुंबई इंडियंस का जर्सी एंड सारे के सारे आईपीएल का जर्सी आ सकते हैं इस अपडेट के अंदर।
गाइस बस इसमें नहीं, क्योंकि जो स्क्वाड है वो भी अपडेट होने वाले हैं। जैसे कि यार कुछ प्लेयर्स का नाम ही नहीं है ऊपर अभी तक, जैसे कि नटराजन का नाम नहीं है वहाँ पर, वो भी नाम आने वाला है स्क्वाड के अंदर, इंडियन स्क्वाड के अंदर। यहाँ पर जो MS धोनी का नाम है उसको हटा दिया जा सकता है, उसके बदले में MS धोनी का नाम को जो मास्टर स्क्वाड है, इंडियन मास्टर स्क्वाड, उसमें अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि रियल क्रिकेट 20 तो भाई रियल क्रिकेट 20 है, मतलब चलो जो कुछ भी होता है उसको करते रहते हैं अपडेट। तो MS धोनी का नाम जो है इंडियन मास्टर्स पर रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या ओपिनियन है, तो जरूर से एक बार बता दीजिए। बस इतने था आज की इस वीडियो के लिए, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।